हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे फार्मालोजी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सजाइम के नाम से ये ड्रॉप आती है दोस्तों मार्केट में, आप इसको इजीली ले सकते हैं दोस्तों इसी नेम से। एंड दोस्तों, इसके क्या यूजेस होते हैं, डॉक्टर लोग कौन कौन सी परेशानी में इसको देते हैं, क्या क्या इसको फ़ायदे होते हैं इसको लेने के अनुसार, तो दोस्तों यही सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एंड तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस ड्रॉप के बारे में दोस्तों, ये किस किस यूज में कौन कौन सी परेशानी में दी जाती है बच्चों को। दोस्तों, ये बच्चों के लिए आती है ड्रॉप, चलिए जानते हैं पहले इसके साल्ट के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं एंड बी कॉम्प्लेक्स होता है विद एलाइसिंस सिरप। तो दोस्तों, इस तरह से ये साल्ट होते हैं दोस्तों इसके अंदर। और इसके ML की बात करें तो दोस्तों, ये 15 ML में मिलती है आपको। और चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह की ये ड्रॉप आती है। तो दोस्तों, इसके साथ में ये ड्रॉप कंटेनर दिया रखा होता है जिसकी मदद से आपको अपने बच्चे को देनी होती है। और दोस्तों, इस तरह की कंटेनर में आती है ड्रॉप। दोस्तों, इसके MRP की बात करें तो दोस्तों, आपको ये 60 रुपये की मिल जाएगी ओनली। एंड चलिए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी परेशानी में ये दे सकते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, जैसे कि आपके बच्चे को कुछ भी देते हैं और सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बच्चा पचा नहीं पाता है, वॉमिटिंग कर देता है, और दोस्तों बच्चे को कुछ भी देते हैं और एसिडिटी बनती है यानी कि गैस बनती है, पेट फूलता है और बच्चा कमज़ोर होता है दोस्तों, कुछ नहीं खा पाता है। तो दोस्तों, इस सारी परेशानियों में इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लोग देते हैं डाइजेस्ट, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और बच्चा कमज़ोर है तो उसको हेल्दी भी करता है दोस्तों, यानी कि ताकत के लिए भी इसको दिया जाता है। और जो भी कुछ बच्चे को दिया जाता है, दूध दिया जाता है, तो दोस्तों ये डाइजेस्ट करता है यानी कि पचाता है दूध को। इस तरह सी प्रॉब्लम में ये ड्रॉप दी जाती है दोस्तों। ये तो दोस्तों इसके यूजेस की बात हो गई है, चलिए इसके लाने का तरीका बता देते हैं किस तरह से आप अपने बच्चे को दे सकते हैं इस ड्रॉप को। तो दोस्तों, आपका बच्चा 6 से 7 मंथ का है या 7 से 1 ईयर तक का है, तो दोस्तों आप अपने बच्चे को 5-5 ड्रॉप दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं। और दोस्तों, इस तरह से आपको ये ड्रॉप देनी है। एंड ये तो दोस्तों इसकी यूजेस की बात बता दी है हमने और डोज की बात बता दी है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों, इसके ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट होते नहीं हैं और फिर भी देने के अनुसार कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दें दोस्तों, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें दोस्तों। अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना इस ड्रॉप को ना दें दोस्तों। इस ड्रॉप को क्या अन्य भी कोई सी भी मेडिसिन लें तो दोस्तों, अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, आप तो लाइक कर दिया करो, आपके लिए तो मेहनत करते हैं दोस्तों। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाहते हैं, और हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।